ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। अक्सर आप ये कमेंट्स मुझे करते रहते हैं कि हम बहुत दिनों से, बहुत महीनों से परेशान हैं और कई सारी परेशानियों के साथ हम जीवन जी रहे हैं। हमारा स्ट्रगल ख़त्म हो ही नहीं रहा है। हमने जब से शादी की है तब से हमने कभी सुख नहीं देखा है, जब से हम जन्मे हैं तब से हमने कभी सुख देखा ही नहीं। हमारे जीवन में तो बहुत स्ट्रगल है, हमारी शादी नहीं हो पा रही है। तो ओवरऑल इस वीडियो को जो शीर्षक है कि आपकी 100 परेशानियां हो उसका एक हल है, वो एक उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी 100 परेशानियों का आप समाधान निकाल सकते हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे बहुत से जातकों को मैंने ये निजी तौर पर बताया, उन्होंने इसको फॉलो किया और उससे कई सारी चीज़ें सही हुई। लेकिन उस उपाय को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने में सही करना होगी या इन चीज़ों पर आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर आप इन पर अपने ऊपर काम कर लेंगे तो परेशानी ये उपाय और कारगर आपके पर लागू होगा। दोस्तों, तो आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है, आपका आभार है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। और अगर हाँ, ये वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और कोई भी तकलीफ या परेशानी से आप वर्तमान में गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल ही रहे, आप WhatsApp पर आए, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप बहुत दिनों से जब परेशान होते हैं तो आपको जो चीज़ें सही करनी है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उपाय बताऊँगा। आप बहुत दिनों से जब बुरा होता है तो बहुत नेगेटिव हो जाता है हमारा थॉट्स, हमारा विचार। तो एक बार खुद को खुद पढ़ें कि आप क्या सोचते हैं, सुबह से उठकर क्या सोचते हैं, दिन भर ज़्यादातर क्या सोचते हैं। तो आप ये पाएंगे कि आप दिन भर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं। और जैसे ही नकारात्मक आप सोचेंगे आपके आसपास का वाइब्रेशन बहुत ही नेगेटिव होगा और वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपको नेगेटिव परिणाम ही देगा। दूसरी बात है, लोगों के बहकाव में नहीं आना है। आप अपने विचार से चले, अपनी इच्छा से चले, क्योंकि दूसरों के बहकाव में आने से राहु एक्टिव होता है और हम कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ सकते। तीसरा, मन को बहुत शांत रखना है। जितना आप शांत रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब उपाय आपको कौन सा करना है, जिस उपाय को करने से आपकी 100 परेशानियाँ खत्म हो सकती है। आपको एक लाल कपड़े में कोयले को बांधना है। खाला कोयला आपको बाज़ार मिलेगा, खड़ा कोयला, उसको एक लाल कपड़े में बांधना है, उस कोयले को रखना है अपने पास पोटली बनाकर और उसके सामने बैठकर कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद उस पोटली को बहती नदी में प्रवाहित कर दे। ओम नमः शिवाय।